आज बनाएंगे 6 प्रकार की आइसक्रीम। एक मेन बेस रहेगा, उसी में अलग अलग फ्लेवर्स देंगे। इन्हें बनाना एकदम आसान है, आप ट्राई करके देखिए, आपको सभी फ्लेवर्स पसंद आने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे व्हिप्ड क्रीम। ये वही व्हिप्ड क्रीम है जो केक आइसिंग के लिए यूज़ की जाती है, केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। व्हिप्ड क्रीम के पैकेट को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, तो ये क्रीम ठंडी है। आपको भी ठंडी क्रीम ही यूज़ करना है। मिक्सर जार में 3 कप क्रीम डालेंगे। आप लो टू मीडियम स्पीड पर मिक्सर चलाएं। मिक्सर को लगातार नहीं चलाना है, 10 सेकंड के लिए चलाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर 10 सेकंड के लिए चलाइए फिर बंद कर दीजिए। इस तरह क्रीम को व्हिप करना है। क्रीम को मैंने टोटल 2 मिनट के लिए व्हिप किया, और कैसे व्हिप करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 10 सेकंड के लिए मिक्सर चलाइए फिर बंद कर दीजिए, फिर 10 सेकंड के लिए चलाइए फिर बंद कर दीजिए। अगर हैंड ब्लेंडर है तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, हैंड ब्लेंडर से क्रीम को व्हिप कर लीजिएगा। क्रीम क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। क्रीम की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब केक की आइसिंग करनी होती है तो व्हिप्ड क्रीम को स्टिप पीक्स आने तक व्हिप किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम बनानी है तो ज़्यादा व्हिप नहीं करेंगे। क्रीम को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब डालेंगे 1 टिन मिल्क मेड, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क। ये मैंने 400 ग्राम का पैक लिया है। आधा टिन कंडेंस्ड मिल्क और डालेंगे, तो टोटल 1 टिन प्लस आधा टिन यानी कि 1.5 टिन 1.5 टिन मिल्क मेड लिया है। ग्राम्स में मापा जाए तो टोटल 600 ग्राम है। ये हम 6 आइसक्रीम के लिए बेस तैयार कर रहे हैं। अगर आप केवल 1 आइसक्रीम बनाने वाले हैं तो उसके लिए 1 कप क्रीम में आधा कप मिल्क मेड डालिए। इस क्वांटिटी से आइसक्रीम का 1 फ्लेवर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो मिल्क मेड घर पर भी बना सकते हैं। मिल्क मेड यानी कि कंडेंस्ड मिल्क घर पर कैसे बनाएं? कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो लिंक आई बटन में आ रही है, क्लिक करके देख लीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे भगोनी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर कवर कर दीजिए। एल्यूमिनियम फॉइल लगाने से इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आइसक्रीम को खाते समय मुंह में बर्फ जैसा फील होता है, वो नहीं होगा। एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर में ये आइसक्रीम तैयार होगी। इसे 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जिस जगह पर बर्फ जमाते हैं वहीं पर रखना है। 3 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम ठंडी हो चुकी है। इस बात का ध्यान रखिए कि इसे जमाना नहीं है, केवल ठंडा करना है। इस टाइम आइसक्रीम ऐसी स्टेज पर है, नीचे से आइसक्रीम का जो बेस है वो जमा हुआ है और ऊपर से आइसक्रीम पिघली हुई है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि आइसक्रीम अभी जमी नहीं है। एक विस्क या चम्मच की मदद से इसे 1 से 2 मिनट तक फेंटिए। इस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है, आप इस स्टेप को स्किप ना करें। इस तरह फेंटने से आइसक्रीम में सिल्की टेक्सचर आ जाता है, जैसी मार्केट में मिलती है। स्मूथ आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही बनेगी। तो ये आइसक्रीम का बेस तैयार है। इसी का यूज़ करके हम 6 प्रकार की आइसक्रीम बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे केसर फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इसके लिए 1 कप आइसक्रीम बेस ले लेते हैं। आइसक्रीम बेस को बोल में डालेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये ठंडा रहे। केसर फ्लेवर बनाने के लिए पैन में लेंगे 1/2 कप दूध। दूध को उबलने देंगे। उबाल आ चुका है, अब डालिए 2 टेबलस्पून चीनी। मिक्स कर लेंगे। चीनी दूध में अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। 10 से 12 केसर के धागे, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहिए। यहाँ पर मैंने केसर थोड़ा ज़्यादा ही डाला है ताकि केसर का फ्लेवर और कलर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। इसे पकाते हुए मैंने गाढ़ा कर लिया है, ये देखिए इसे इतना गाढ़ा करना है। केसर का कलर बहुत ही अच्छी तरह दूध में आ गया है। इसका टेक्सचर रबड़ी की तरह है। बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने दें। याद रखिए, आइसक्रीम बेस में मिलाने से पहले इसे अच्छी तरह ठंडा करना है। अगर गर्म ही मिला देंगे तो आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। केसर वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मावे की तरह सेट हो जाता है। इसे आइसक्रीम बेस में डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है।
किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए। केसर आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर रेडी है। ढक्कन लगाकर इसे 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए। चाहें तो रात भर के लिए भी रख सकते हैं, बस आइसक्रीम सेट हो जानी चाहिए। आइसक्रीम जम चुकी है, परफेक्टली सेट हुई है। चलिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। केवल चम्मच से टच किया और ये बाहर आ गई। टेक्सचर में बिल्कुल स्मूथ है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। सेकंड फ्लेवर है चॉकलेट। बोल में लेंगे 1 कप आइसक्रीम बेस। इसे भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए पैन में लेंगे 1/2 कप दूध। दूध को उबलने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। पैन को थोड़ा हिला दें ताकि चीनी दूध में मिक्स हो जाए। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। कोको पाउडर को चम्मच से दबाते हुए मिक्स करिए। इसमें गांठे नहीं होनी चाहिए। लगातार चम्मच चलाते रहिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। इसी तरह पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, गैस को बंद कर दिया है। बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आइसक्रीम बेस के साथ मिक्स कर देंगे। चॉकलेट सॉस मिक्स हो चुका है, कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। डार्क चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे आइसक्रीम के ऊपर डालें। ढक्कन लगाकर इसे 6 घंटे या रात भर के लिए फ्रीज़र में रखिए। चॉकलेट सभी बच्चों की फेवरेट होती है, तो इस फ्लेवर को ज़रूर ट्राई करिए। आइसक्रीम सेट हो चुकी है। कट करके टेक्सचर चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनी है ये चॉकलेट आइसक्रीम। मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम से भी अच्छा टेस्ट करेगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तीसरा फ्लेवर है वनीला। सबसे सिंपल यही वाली आइसक्रीम है। घर में ज़्यादा सामान नहीं है तो ये फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। बोल में लेंगे 1 कप आइसक्रीम बेस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिक्स कर लेंगे। कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए। कवर करके 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए। वनीला आइसक्रीम भी सेट हो चुकी है। इस आइसक्रीम को तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आइसक्रीम बेस में वनीला एसेंस डाला, सेट किया, आइसक्रीम तैयार है। ये देखिए, काटने पर आपने टेक्सचर का अंदाज़ा लगा लिया होगा। चौथा फ्लेवर है बटर स्कॉच। बनाने के लिए बोल में लेंगे 1 कप आइसक्रीम बेस। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। पैन में लेंगे 1/2 कप चीनी। गैस मीडियम फ्लेम पर है, चीनी को पिघलने दीजिए। चीनी को पिघलाकर इसका कैरेमल बनाएंगे। चीनी पिघलना शुरू हो गई है। डालें 1/2 टेबलस्पून बटर। बटर की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 काजू को काट लिया है, इन्हें भी मिला लें। आप काजू की जगह कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम या पिस्ता भी लिए जा सकते हैं। मिक्स करने के बाद तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। मैंने प्लेट को पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है ताकि जब ये सेट हो जाए तो निकालने में आसानी हो। थाली में अच्छी तरह फैला लें। इसे 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही रखिए ताकि ये सेट हो जाए। 1/2 घंटा हो चुका है, आसानी से निकल गई। क्योंकि प्लेट में घी लगाया था तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसे चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लिया है। हाथों से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आप इसे बेलन से पीस लेंगे। कुछ इस तरह दरदरा पीसना है। इसे इकट्ठा करके बोल में निकाल लेंगे। आइसक्रीम बेस के साथ मिक्स कर लीजिए। सारा मिक्स नहीं करना है, केवल 4 चम्मच काफ़ी हैं। 4 से 5 ड्रॉप लेमन येलो कलर, इसमें कलर और फ्लेवर दोनों हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए। ऊपर से चिक्की डालें जो अभी हमने तैयार की थी। ढककर 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए ताकि ये सेट हो जाए। बटर स्कॉच आइसक्रीम भी रेडी है। ये देखिए, आइसक्रीम की स्मूदनेस अमेजिंग है। पांचवा फ्लेवर है ओरियो बिस्किट आइसक्रीम। बनाने के लिए बोल में लेंगे 1 कप आइसक्रीम बेस। 6 ओरियो बिस्किट लिए हैं। ओरियो बिस्किट क्रीम बिस्किट्स हैं, तो ये 2 बिस्किट आपस में जुड़े हुए होते हैं।
दो बिस्किट को अलग अलग गिना जाए तो 12 बिस्किट हैं। इतना डिटेल में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें, एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बनकर तैयार हो। बिस्किट को तोड़कर मिक्सर जार में डालें, पीसकर पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर तैयार करना है, इसे एक बोल में निकाल लीजिए। बिस्किट पाउडर को आइसक्रीम बेस के साथ मिक्स कर लेंगे। कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए। ऊपर से एक ओरियो बिस्किट को तोड़कर डालें। थोड़ा सा आइसक्रीम मिक्सचर बच गया है, इसे भी डाल देंगे। कंटेनर पर ढक्कन लगाइए, 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए ताकि आइसक्रीम सेट हो जाए। आइसक्रीम सेट हो चुकी है, ये भी बाकी आइसक्रीम की तरह टेस्टी है। चम्मच से निकालकर इसका भी टेक्सचर चेक कर लेते हैं। आखिरी फ्लेवर है गुलकंद फ्लेवर। बोल में लेंगे 1 कप आइसक्रीम बेस, इसे फ्रिज में रख देंगे। दूसरी ओर पैन में लेंगे 1 कप दूध। दूध में उबाल आने दीजिए। दूध में उबाल आने लगा है, इसमें डालें 1/4 कप गुलकंद, मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि गुलकंद पहले से ही मीठा होता है। लगातार चम्मच चलाते रहिए, इसे गाढ़ा कर लेंगे। रबड़ी की कंसिस्टेंसी पर आ गया है, गैस को बंद कर देंगे। अब इसे बोल में निकाल लीजिए, इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आइसक्रीम बेस में मिक्स करिए। 3 से 4 बूंद रेड फूड कलर, इन्हें भी मिला लेंगे। गुलकंद फ्लेवर आइसक्रीम मिक्सचर भी बना लिया है, कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए। ढक्कन लगाकर 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। गुलकंद आइसक्रीम भी रेडी है। आप इन 6 फ्लेवर्स के अलावा कोई और फ्लेवर भी बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।